जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की दिशा में एक और बड़ी सफलता जामताड़ा साइबर पुलिस को मिली है। साइबर डीएसपी हरेंद्र राय की अध्यक्षता में टीम गठित कर करमाटाड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 8 साइबर अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया। इसी क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने भी एक साइबर अपराधी को पकड़ने में सफलता पाई है। आपको बताते चले कि जामताड़ा साइबर अपराध के मामले में आज पूरे देश में विख्यात है और जामताड़ा में सभी राज्यों की पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने में जामताड़ा पहुंचती है। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट। हिमाचल में मंडी से लोग आए हुए हैं क्योंकि वहाँ भी फ्रॉड हुआ था, ये हुआ था। तो ये लोग जितने भी अपने मोबाइल्स का प्रयोग करते हैं तो नॉर्मली 100% आप कहिए कि 100% फेक रहता है। तो नेम तो बेस पता नहीं चल पाता है, उसी बेस के आधार पर ये लोग हम लोगों से मदद की, अपना उन्होंने डिटेल्स शेयर किया और उस डिटेल्स के आधार पर हमारी टीम उनको मदद की और जो उनका टारगेट पॉइंट था वो टारगेट अचीव हो गया। उनको इसे बेहतर अपराधियों का फील्ड कहाँ था, लोग जो अपराध करते थे जैसे कुछ लोगों का होता है कि बंगाल होता है, किसी का झारखंड होता है। नहीं, ये तो एनालिसिस अभी हमारे पास क्या है कि जितने भी हम FIR कर रहे हैं या जितने भी हमारी रिकवरी हो रही है, जितने भी मोबाइल, जितने भी लोग हैं, तो FIR करने के बाद में इसको हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसके लिए एक अलग टीम है बनी हुई MHA की, उसके पोर्टल पे हम लोग डालते हैं और वो टीम जो है वो विद इन 24 to 48 hours ये हमें कंफर्म करती है कि ये पकड़ाए गए जितने भी अपराधी हैं या इनके जो मोबाइल्स नंबर हैं इनसे कितने जगहों में फ्रॉड हुआ है, कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में हुआ है। ये मैं आपको कल वाले का, परसों वाले का जो मामला था वो आज या कल तक आ जाएगा और आज वाले मामले का 2 दिन के अंदर में आ जाएगा कि वो अभी तक का जो सूचना मिला था जो 27 2 दिन पहले जो मोबाइल पकड़े थे उसमें से लगभग 150 केस से अधिक के मामले आ गए। 150 अभी पिछले